2, where we are going to look at the novels which are related to different types. Okay, so let us start working on that. तो हमने कल देख लिया था रोमांस और गोथिक नॉवल्स. ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल नॉवल्स. इम्पॉर्टेंट सीरीज है हमारी हिस्टोरिकल नॉवल्स भी, तो देखते हैं हिस्टोरिकल नॉवल्स. तो टाइप्स ऑफ नॉवल्स में हिस्टोरिकल नॉवल इज अ नैरेटिव विच रिकंस्ट्रक्ट्स हिस्ट्री एंड रिक्रिएट्स इट इमेजिनेटिवली. इट हैज बोथ हिस्टोरिकल एंड फिक्शनल कैरेक्टर्स में अपीयर. द ऑथर्स एम एट वेरी सिमिलिट्यूड, दैट इज लाइकनेस टू द ट्रूथ, एंड देयरफॉर द अपीयरेंस ऑफ बीइंग ट्रू और रियल इवन व्हेन फैंटास्टिक. हिस्टोरिकल नॉवल्स इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल, फॉर में ये नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल द वर्क ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट एंड द बायोग्राफिकल सीरीज ऑन यूनाइटेड स्टेट्स बाय गोर विडाल. ठीक है, सो गाइज हिस्टोरिकल नॉवल्स जो है मेनली द नॉवल्स विच डील्स विद द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री. नोट कर लेना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री से डील करते हैं. और सबसे मेन बात क्या है गाइज, ये जितने भी नॉवल्स हैं ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री के अलावा फिक्शनल कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है इसमें. ठीक है, फिक्शनल कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है. ऑब्वियसली नॉवल है तो फिक्शनल कैरेक्टर्स होंगे, बट हिस्ट्री में भी फिक्शनल कैरेक्टर्स को रिक्रिएट किया जाता है. तो आप इसमें लिख देंगे वॉल्टर स्कॉट का वेवरली नॉवल्स. प्लीज नोट करिएगा, पूरी क्लास नोट करेगी, वॉल्टर स्कॉट का वेवरली नॉवल्स की सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वेवरली नॉवल्स 1813 में सबसे पहला वेवरली नॉवल छपा, जब वॉल्टर स्कॉट की एज मोर देन 40 थी. ठीक है, सो वॉल्टर स्कॉट वॉज मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज बाय दैट टाइम, एंड द फर्स्ट नॉवल ऑफ वेवरली सीरीज वॉज पब्लिश्ड. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर वॉल्टर स्कॉट. ठीक है, वॉल्टर स्कॉट के बारे में क्या बोला जाता है, इनके नॉवेल्स के बारे में नोट करेगी पूरी क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ गाइस. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आएगा ये पॉइंट. ठीक है, क्या है पॉइंट, कि इनके नॉवेल्स को हेस्टी एंडिंग्स कहते हैं. क्या कहते हैं, द नॉवेल्स विद हेस्टी एंडिंग्स, नॉवेल्स विद हेस्टी एंडिंग्स कहते हैं. इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया वॉल्टर स्कॉट के बारे में, और क्या कहते हैं गाइस, कि वॉल्टर स्कॉट के नॉवेल्स में वेवरली जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक नॉवल है, और वॉल्टर स्कॉट के जो हिस्टोरिकल नॉवल्स हैं उनके जो प्लॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये वॉल्टर स्कॉट के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग. वॉल्टर स्कॉट के जो नॉवल्स हैं उनके जो प्लॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्प्रॉलिंग प्लॉट्स होते हैं. कैसे होते हैं, स्प्रॉलिंग प्लॉट्स, ये वर्ड आएगा स्प्रॉलिंग, SPRAWLING. सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्प्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग मीन्स ह्यूजली, यू कैन से एक्सपेंडेड, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है, तो हम इसको कहेंगे स्प्रॉलिंग प्लॉट्स होते हैं, हिस्ट्री एंडिंग्स होती हैं, और हमने बात करी वेवरली नॉवल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है वेवरली की. ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछी जा रही है, और 1813 में पहली सीरीज आई थी. ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का वॉल्टर स्कॉट किसको कहते हैं, इंडियाज वॉल्टर स्कॉट. ठीक है, कौन बता रहा है मुझे भारत का वॉल्टर स्कॉट. ठीक है, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स किसको कहा जाता है भारत का वॉल्टर स्कॉट. हाँ जी, जी हाँ गाइज, बंकिम चटर्जी, वेल डन गाइज, बहुत बढ़िया लक्ष्मण सिंहवाल सर, बहुत बढ़िया, बंकिम चंद्र चटर्जी. नोट कर लेना, बंकिम चटर्जी को भारत का वॉल्टर स्कॉट कहते हैं. ठीक है, अब एक चीज और नोट करना यहाँ पर, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इंडिया का पहला इंग्लिश नॉवल लिखा जिसका नाम क्या था, राजमोहन्स वाइफ. देखो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं हम लोग, राजमोहन्स वाइफ. नोट कर लेगी पूरी क्लास, इट वॉज द फर्स्ट नॉवल इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, राजमोहन्स वाइफ, रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवल हो गया है. ये कब आया था, 1864 में. नोट कर लेंगे सारे साथी, 1864 में आया था. और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो ज्यादा फेमस नॉवल है वो क्या है, हम लोग सभी जानते हैं कौन सा नॉवल है, जिसमें हम देखते हैं कि वंदे मातरम सॉन्ग भी है, आनंद मठ. ओके, बंगाली में लिखा हुआ है, और इसका जो इंग्लिश टाइटल था वो भी पूछा जा सकता है, आनंद मठ. ये बंगाली में लिखा हुआ है, 1882 में पब्लिश हुआ था ये, 1882 में. नोट करते रहना आनंद मठ, इसमें वंदे मातरम सॉन्ग है गाइस. ठीक है, नोट कर रहे हैं सब लोग. आनंद मठ के बारे में और क्या बता सकते हैं हम आपको, कि आनंद मठ जो है इसका जो इंग्लिश टाइटल था ट्रांसलेट करके वो क्या आया था, विच बेसिकली मीन्स दैट एबे ऑफ ब्लिस. मठ का मतलब एबे होता है हम लोग जानते हैं, ब्लिस का मतलब आनंद, द एबे ऑफ ब्लिस. ठीक है, एंड दिस इंक्लूडेड द वेरी फेमस वंदे मातरम, वंदे मातरम सॉन्ग. क्लियर सब लोगों को,
बता रहा था वेबरले का जो नॉवल था वॉल्टर स्कॉट का ना, उसका ईयर 1814, आई थिंक मैंने 13 बोल दिया है, 1814 उसका ईयर है वेबरले का। और इसमें बहुत सारे टेल्स ऑफ माय लैंडलॉर्ड करके सीरीज है, टेल्स ऑफ माय लैंडलॉर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो फोर्थ फोर सीरीज हैं और उसके अंदर भी बहुत सारे नॉवल्स हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट मोर देन 26 नॉवल्स जो हैं वेबरले नॉवल्स की सीरीज में आ जाते हैं, तो ह्यूजली यू कैन से ह्यूज वर्क, इट्स अ कोलोसल वर्क, बहुत बड़ा वर्क है। मोर देन 26 नॉवल्स इसकी सीरीज में आते हैं। फर्स्ट नॉवल 1814 में पब्लिश हुआ, ठीक है। और जब ये पब्लिश हुआ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉल्टर स्कॉट उस समय मोर देन 40 40 ईयर्स, मतलब 43-44 ईयर्स के थे, तो ही वॉज रियली वेरी मीन्स कंप्लीटली मेच्योर बाय द टाइम द फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश्ड, ओके। और आपको ये बताते हुए चलें कि वॉल्टर स्कॉट कौन सी एज को बिलोंग करते हैं लिटरेचर में, रोमांटिक एज। कौन सी एज को बिलोंग करते हैं गाइस? रोमांटिक एज को करते हैं, वर्ड्सवर्थ कोलरेज वाली जो एज है अपनी, उसको बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन जितने थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक। तो आई होप आप लोगों को इसमें अच्छा लगा होगा। आइए अब फिर बढ़ते हैं आगे की सीरीज में। तो हिस्टोरिकल नॉवल्स में हमने एक और नॉवल देखे यूनाइटेड स्टेट्स में, गोर विडाल के भी ये नॉवल हैं। गोर विडाल जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं और इनके नॉवल्स की सीरीज भी है। तो ये हिस्टोरिकल नॉवल्स की सीरीज, अमेरिकन राइटर है गोर विडाल, ठीक है। बाइसेक्सुअल नॉवलिस्ट हैं और ठीक है, तो 20th सेंचुरी के नॉवलिस्ट हैं। तो इनके हिस्टोरिकल नॉवल्स, जूलियन इनका सबसे फेमस है, द सिटी एंड द पिलर, द सिटी एंड द पिलर, नोट कर लो फटाफट, द सिटी एंड द पिलर, ये इनका नॉवल 1948 में, द सिटी एंड द पिलर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पिकारेस्क नॉवल्स। तो पिकारेस्क में देखते हैं, दीज नॉवल्स टेल्स द लाइफ ऑफ अ नेव और पिकारून हु इज द सर्वेंट ऑफ सेवरल मास्टर्स। तो मैंने बताया था नेव या फिर रग भी बोलते हैं, ROGUE, नेव और रग वहां से बना है। थ्रू हिज एक्सपीरियंसेस ही सटायरिज द सोसाइटी, डेफो का मॉल फ्लैंडर्स, स्मॉलेट का रॉड्रिक रैंडम आर एग्जाम्पल। बट पिकारेस नॉवल में मैंने आपको बताया था जो ग्रेटेस्ट नॉवल है वो क्या है, कैरवांटेस का डॉन क्विते। बहुत बार लिखा चुका हूँ मैं कैरवांटेस के डॉन क्विते के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोला जाता है, QUIXOTE, क्विते। क्विते से क्विक्सोटिक एक वर्ड भी बना जिसका मतलब स्ट्रेंज या बिहेवियर, तो डॉन क्विते, सर्वांतिस का डॉन क्विते। इट्स अ स्पेनिश एपिक नॉवल पब्लिश्ड इन टू यू कैन से पार्ट्स, पहला पार्ट 1605 और 1615, नोट कर लेना इसके इयर्स। और इसका हीरो जो है उसका नाम क्या है, ला मांचा, क्या नाम है, ला मांचा, MANCH, ला मांचा इसका हीरो, कैरवांटेस का डॉन क्विते एग्जाम में पूछा जाएगा, क्लियर सबको। पिकारेस्क में एक चीज और है, स्पेनिश वर्ड पिकारो से, जैसे मैंने बोला आपको स्पेनिश वर्ड पिकारो से बना है। और मैंने बोला कि जो फर्स्ट पिकारेस नॉवल है वो कौन सा है, फर्स्ट पिकारेस नॉवल अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका, बहुत बार एग्जाम्पल्स में आएगा, एग्जाम्स में आएगा, इसका नाम है, इंग्लिश लिटरेचर में पहला पिकारेस नॉवल है जोसेफ एंड्रयूज बाय हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग का क्या है नॉवल का नाम, जोसेफ एंड्रयूज, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा बहुत बार ये। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन जैसे बच्चे लिख रहे हैं कि द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर जैक विल्टन का, तो सब लोग नोट कर लेना, जैक विल्टन द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये किसने लिखा है भाई, थॉमस नैश ने लिखा है, इसका पूरा नाम है, मतलब इस वर्क का पूरा नाम है जैक विल्टन द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, देख लो यहाँ पर किसने लिखा है, ये थॉमस नैश ने लिखा है। थॉमस नैश कौन सी एज के हैं, एलिजाबेथन एज के यूनिवर्सिटी विट्स में से एक हैं, इनको ग्रेटेस्ट पैम्फलेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है थॉमस नैश को ना। तो अब यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर थॉमस नैश का जो वर्क है फर्स्ट नॉवल नहीं है पिकारिस्क, ये इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पिकारिस्क प्रोज वर्क, नोट कर लेंगे सारे बच्चे, क्या कहेंगे हम इसको, फर्स्ट पिकारिस्क प्रोज वर्क। ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि फर्स्ट पिकारिस्क नॉवल है कि प्रोज वर्क है कि क्या है, तो फर्स्ट पिकारिस प्रोज वर्क है ये एलिजाबेथन एज में आ गया था बहुत पहले, और ये फर्स्ट पिकारिस नॉवल है, ठीक है, हेनरी फील्डिंग का, जोसेफ एंड्रयूज, 1742 में आया है ये, क्लियर हो गया सब लोगों को। वन मोर थिंग गाइस, दैट द नॉवल्स ऑफ यू कैन से, जैसे आपने लिखा है ना स्मॉलेट, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ही बनता है, विच विक्टोरियन नॉवलिस्ट फॉलोड द स्टाइल ऑफ स्मॉलेट एंड रोट पिकारेस नॉवल्स, तो इसमें आंसर आएगा चार्ल्स डिकेंस, याद रखना, चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज में स्मॉलेट की पिकारेस्क
स्टाइल को फॉलो करते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा कि विच विक्टोरियन ऑथर फॉलोज द पिकारेस्क ट्रेडिशन ऑफ स्मॉलेट एंड कॉपीज हिम। ठीक है, ठीक है। सो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि साइकोलॉजिकल नॉवल इज अ वेग टर्म यूज टू डिस्क्राइब फिक्शन कंसर्न विद स्पिरिचुअल इमोशनल एंड मेंटल लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स एंड विद द एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर रादर देन द प्लॉट एंड एक्शन। नोट करेंगे एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर डील्स विद द स्पिरिचुअल इमोशनल एंड मेंटल लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है कि सर साइकोलॉजिकल नॉवेल्स कौन सी एज में सबसे ज्यादा लिखे गए, तो मैंने आपको बताया था मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न एज में सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल नॉवल लिखे गए, जेम्स जॉयस का यूलिसिस इसका बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है, जिसको कि हम ग्रेटेस्ट मॉडर्न नॉवल भी कहते हैं, यूलिसिस। ठीक है, द टर्म यूलिसिस इज डिराइव फ्रॉम विच वर्क? इट इज डिराइव फ्रॉम वॉर ऑफ ट्रोजन वॉर। इट इज डिराइव फ्रॉम द कैरेक्टर ओडेसियस। ओडेसियस से क्या बना? यूलिसिस बना। बहुत बार आएगा एग्जाम्पल। जेम्स जॉयस का यूलिसिस ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल नॉवल मॉडर्न नॉवल कह सकते हैं हम इसको। एंड इसमें कौन सी टेक्निक का यूज हुआ है गाइज? अगर हम लोग कहें तो इसमें किसका यूज हुआ है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीरियर मोनोलॉग। क्या कहते हैं? इंटीरियर मोनोलॉग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंटीरियर मोनोलॉग। ठीक है, एग्जाम्स में आएगा ये। अभी गेट के पेपर में आया था, बच्चों ने ड्रामेटिक मोनोलॉग से कंफ्यूज कर दिया था इसको। तो इंटीरियर मोनोलॉग, एसओसी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो साइकोलॉजिकल नॉवल में अगर हम कहें फर्स्ट साइकोलॉजिकल नॉवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट साइकोलॉजिकल नॉवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो साइकोलॉजिकल का मतलब याद रखना मॉडर्न भी है। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है? मॉडर्न भी है। मॉडर्न का मतलब एक्सपेरिमेंटल एंड साइकोलॉजिकल बोथ। ठीक है, दोनों चीजें हैं, एक्सपेरिमेंटल भी है और साइकोलॉजिकल भी है, दोनों चीजें हैं मॉडर्न का मतलब। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट मॉडर्न नॉवल हम लोग देखें तो ट्रॉयलस एंड क्रिसीडे। आंसर होगा ट्रॉयलस एंड क्रिसीडे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये क्वेश्चन बनेगा आपका। इसमें ट्रॉयलस एंड क्रिसीडे में क्रिसीडे को फर्स्ट मॉडर्न हीरोइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट मॉडर्न हीरोइन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं गाइज। तो साइकोलॉजिकल नॉवल्स की सीरीज में वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल्स भी आ जाएंगे, जैसे टू द लाइट हाउस। द लाइट हाउस ग्रेटेस्ट नॉवल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ है, मॉडर्न फेमिनिस्ट है वर्जीनिया वुल्फ। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इनके वर्क से, तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके के बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो एपिस्टॉलरी नॉवल्स में आते हैं। सो एपिस्टॉलरी नॉवल्स आर इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। दे वर पॉपुलर इन 18th सेंचुरी एज इट हैज नॉट बीन अनकॉमन सिंस देन टू यूज लेटर्स टू कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ अ नॉवल। एग्जाम्पल पामेला एंड हम्फ्रे क्लिंकर। मीन्स 18th सेंचुरी में ये ट्रेडिशन था कि नॉवल्स में जनरली लेटर्स को इंक्लूड किया जाता था स्टोरी को बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए ये टर्म एपिस्टॉलरी नॉवल जो है वहां से आया है। और अगर हम बात करें एपिस्टॉलरी तो किससे बना है? ये एपिस्टल से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? लेटर। ठीक है, सो एपिस्टॉलरी वर्क में आ जाता है फर्स्ट इंग्लिश नॉवल ऑफिशियली जो है वो रिचर्डसन का पामेला। ठीक है, हम सब लोगों को पता है गाइस रिचर्डसन का पामेला कितना इंपॉर्टेंट वर्क है। और कब आया था ये? 1740 में आया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1740 में रिचर्डसन का पामेला आया था। ठीक, तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं गाइज। इसमें एक चीज और आपको बता रहा हूँ कि हम्फ्रे क्लिंकर जो है वो किसने लिखा है? स्मॉलेट ने लिखा है। स्मॉलेट का ये इंपॉर्टेंट वर्क है और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। तो चलिए गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एपिस्टॉलरी नॉवेल्स में बहुत सारे फेमस नॉवेल्स हैं जो एपिस्टॉलरी हैं। जैसे कि अगर मैं एक बात और करूं आपको, ड्रैकुला। ड्रैकुला सुना है आपने? ड्रैकुला, जिसको कि मोस्ट हॉरिफिक हॉरिबल या मोस्ट हॉरर फिक हॉरिफिक नॉवेल कहा जाता है। ड्रैकुला किसने लिखा है? ब्रैम स्टोकर ने। किसने लिखा है? ब्रैम स्टोकर ने लिखा है। क्या लिखा है गाइज? ड्रैकुला बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। तो ब्रैम स्टोकर का ड्रैकुला भी एपिस्टॉलरी नॉवेल्स की सीरीज में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट, दो नॉवेल्स और लिखा रहा हूं, बता सकते हैं अरविंद अडिगा को बुकर प्राइज कौन से नॉवेल के लिए मिला? अरविंद अडिगा को बुकर प्राइज कौन से नॉवेल के लिए मिला? तो द वाइट टाइगर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द एपिस्टॉलरी नॉवल बाय अरविंद अडिगा। ठीक है,
उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि कौन सा नॉवल है वर्जीनिया वुल्फ का जिसमें हम देखते हैं कि जेंडर चेंज हो जाता है। जेंडर चेंज कौन से नॉवल में होता है हम लोग देख रहे हैं, विच नॉवल हैज दिस। वर्जीनिया वुल्फ नॉवल हैज अ जेंडर चेंज, वी नो द आंसर इज ऑरलैंडो। कौन सा नॉवल है? ऑरलैंडो। तो ऑरलैंडो भी एपिस्टॉलरी नॉवल का एग्जाम्पल है। कुछ फेमस एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एपिस्टॉलरी में, तो हम लोग यहाँ पर एपिस्टॉलरी वर्ड लिख लेते हैं। तो ये सारे वर्क जितने भी हैं, ये सारे एपिस्टॉलरी वर्क्स हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो एपिस्टॉलरी वर्क में एक और आ जाता है आपका होरेस का आर्स पोएटिका। हालांकि ये क्रिटिसिज्म का वर्क है, मगर ये भी किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ लेटर है। तो आर्स पोएटिका पहला एग्जाम्पल है पूरे यूरोप में, जो कि लिख लेना फर्स्ट एग्जाम्पल इन यूरोप इन द फॉर्म ऑफ एन एपिस्टल, होरेस का आर्स पोएटिका, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या कहा, आर्स लॉन्गा विटा ब्रेविस, आर्स लॉन्गा विटा ब्रेविस। बहुत ही ढूंढ ढूंढ के पॉइंट्स ला रहा हूँ गाइस। आर्स लॉन्गा विटा ब्रेविस क्या था इसका मतलब? आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट। लातिन में कोटेशन है आर्स लॉन्गा विटा ब्रेविस, आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? मजा आ रहा है क्लास में? सोशल और थीसिस नॉवल, ठीक है। तो सोशल और थीसिस नॉवल की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, ईदर ऑफ दीस इज वन विच ट्रीट्स अ सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रॉब्लम विद डायडेक्टिक एंड परहैप्स रेडिकल पर्पस। इट सेट्स आउट टू कॉल अटेंशन टू द शॉर्टकमिंग्स ऑफ सोसाइटी लाइक अंकल टॉम्स केबिन, मच ऑफ डिकिन्स वर्क, द ग्रेप्स ऑफ रात, द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। ये सारे क्या हैं, सोशल नॉवल या थीसिस नॉवल हैं, जिसमें हम डाइडेक्टिक पर्पस से दिखाते हैं। डाइडेक्टिक का मतलब क्या है? मॉरली एजुकेटिव। डाइडेक्टिक का मतलब क्या है गाइस? मॉरली एजुकेटिव, ठीक है। एंड परहैप्स रेडिकल, रेडिकल का मतलब क्या है? फंडामेंटल, मतलब हम कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरी। रेडिकल का मतलब क्या है? फंडामेंटली रिवॉल्यूशनरी, हम रिवॉल्यूशनरी कह सकते हैं क्रांतिकारी टाइप में। सो सोशल और थीसिस नॉवल भी कहा जाता है इनको, ठीक है। इसमें जो है सोसाइटी की जो शॉर्टकमिंग्स होती हैं उनको दिखाया जाता है, उनको किसी तरह शो किया जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा नॉवल है वो कौन सा है? अंकल टॉम्स केबिन। तो अंकल टॉम्स केबिन किसने लिखा है गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट है, हैरियट बिशर स्टो। हैरियट बिशर स्टो, ठीक है। तो ये है अंकल टॉम्स केबिन, हैरियट बिशर स्टो, STOWE। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आएगा। अमेरिका का बहुत ही टॉप 3 नॉवेल्स में से एक माना जाता है ये, थ्री टॉप 3 अमेरिकन नॉवेल्स, नोट कर लेना, ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में टॉप 3 अमेरिकन नॉवेल्स में से एक है अंकल टॉम्स केबिन। हैरियट बिशर स्टो, अंकल टॉम्स केबिन के बारे में या हैरियट बिशर स्टो के बारे में क्या कहा है? अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? दिस लिटिल लेडी चेंज्ड होल ऑफ अमेरिका। इस छोटी सी लेडी ने चेंज्ड होल ऑफ अमेरिका, पूरे अमेरिका को बदल दिया था। दिस लिटिल लेडी चेंज्ड होल ऑफ अमेरिका, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सब लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अंकल टॉम्स केबिन हो गया,
उसके बाद फिर डिकेंस के ज्यादातर वर्क्स हैं, फिर द ग्रेप्स ऑफ रात। द ग्रेप्स ऑफ रात किसने लिखा है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आएगा क्वेश्चन, किसने लिखा है गाइस? द ग्रेप्स ऑफ रात, अमेरिकन नोबेल प्राइज विनर कौन है? अमेरिकन नोबेल प्राइज विनर द ग्रेप्स ऑफ रात वाले, इनको नोबेल प्राइज है, नोट कर लेंगे, स्पेलिंग देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन स्टेनबैक, ठीक है, नोबेल प्राइज इन 1962। नोबेल प्राइज इन 1962, और ये जो बुक है ये कब पब्लिश हुई थी? द ग्रेप्स ऑफ रात 1939 में पब्लिश हुई थी, 1939 में पब्लिश हुई थी। और पुलिट्जर, इसको कहा गया है, पुलिट्जर प्राइज मिला है इसको, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसने लिखी है? गोल्डिंग ने लिखी है, विलियम गोल्डिंग, विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आएगा। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, या सॉरी, विलियम गोल्डिंग को 1983 में क्या है? नोबेल प्राइज है, नोट कर लेना। इसके अलावा विलियम गोल्डिंग को 1980 में बुकर प्राइज है, नोट कर लेना। 1980 में क्या है इनको? बुकर प्राइज है 1983 में, तो नोबेल है। ब्रिटिश या इंग्लिश नॉवलिस्ट नहीं है, ब्रिटिश कहेंगे हम इनको प्रॉपर। तो इनको जो बुकर प्राइज मिला है 1980 में, वो किस नॉवल के लिए मिला है? नोट कर लेना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। राइट्स ऑफ पैसेज के लिए, राइट्स की स्पेलिंग है RITES, राइट्स ऑफ पैसेज। डॉक्यूमेंट्री नॉवल्स क्या है? द नॉवल्स विच आर फॉर्म ऑफ फिक्शन बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस सच एज न्यूज पेपर आर्टिकल्स, आर्काइव्स, लीगल रिपोर्ट्स एंड रिसेंट ऑफिशियल पेपर्स। इट इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज इंस्टेंट फिक्शन और द कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल नॉवल। थॉमस ड्रेजियर्स एन अमेरिकन ट्रेजेडी वॉज बेस्ड ऑन अ सेंसेशनल मर्डर ऑफ द टाइम, नोट कर लेना। थॉमस ड्रेजियर अमेरिकन है ये, एन अमेरिकन ट्रेजेडी जो उस समय के सेंसेशनल मर्डर हुआ था एक, उस पर बेस्ड थी, ठीक है। एंड वॉज टी कैपोट्स इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड भी सिमिलरली ऐसे ही थी, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब ये दोनों अमेरिकन राइटर्स हैं, ओके, दोनों अमेरिकन राइटर्स हैं। तो डॉक्यूमेंट्री नॉवल को हम, एक वर्ड और दे रहा हूं, क्या बोलते हैं? नॉन फिक्शन फिक्शन भी बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं? नॉन फिक्शन फिक्शन, क्योंकि ये नॉन फिक्शन पर बेस्ड फिक्शन है, ठीक है, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। और बेसिकली ये न्यूज़पेपर कटिंग्स, आर्काइव्स, आपको पता ही है, जो हिस्टोरिकल डेटा होते हैं किसी चीज के, उसको भी बोलते हैं। चलिए रे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिल्डुंग्स रोमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है बिल्डुंग्स रोमा, आपके एग्जाम्स में भी आता है, इसको बिल्डुंग्स रोमा पढ़ाया जाता है। फॉर्मेशन नॉवल, कैरेक्टर फॉर्मेशन नॉवल भी कह सकते हैं हम इसको, और यू कैन से फॉर्मेशन नॉवल भी कह सकते हैं। दिस इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ नॉवल विच इज द अकाउंट ऑफ द यूथफुल डेवलपमेंट ऑफ द हीरो और हीरोइन। जॉयस इज अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड आर बेस्ट नोन, although the novel is not always autobiographical. Okay, so we can say that this is a very important term that we have seen here, that Bildungsroman is the youthful development of a hero or heroine, especially leading to, इसको हम कहते हैं novel of formation, क्या कहते हैं? novel of formation भी कहते हैं।
क्लियर हो गया सबको। और क्या कहते हैं इसको हम लोग, कमिंग ऑफ द एज नॉवल, कमिंग ऑफ द एज नॉवल एग्जाम में ही आएगा क्वेश्चन, कमिंग ऑफ द एज नॉवल। ठीक है, तो बिल्डिंग्स रोमा का एग्जाम्पल देखेंगे, जेम्स जॉय का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन, डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड, इसके अलावा हम देखते हैं जेन ऑस्टन का एम्मा, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है बिल्डिंग्स रोमा का। इसमें फटाफट नोट करो एम्मा का ईयर, पूछता है बार बार। ठीक है, एम्मा का ईयर है 1815, और इसमें है बॉक्सिंग हिल एपिसोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड माना जाता है, एम्मा का क्लाइमेक्स है। और यहाँ पर हम देखते हैं एम्मा एक इंटेलेक्चुअली मैच्योर हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है बॉक्सिंग हिल एपिसोड, इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा मेच्योरिटी उसमें आती है, टर्निंग पॉइंट टाइप का है इस नॉवल में। इसी तरह अगर हम बात करें, इसमें बहुत फेमस एग्जांपल लूंगा मैं, बता सकते हैं कौन बता रहा है मुझे, फर्स्ट इंग्लिश फेमिनिस्ट नॉवल, फर्स्ट इंग्लिश फेमिनिस्ट नॉवल कौन सा है, इंग्लैंड का पहला फेमिनिस्ट नॉवल। जी, जेन आयर, शार्लेट ब्रॉन्टे भाई, जेन आयर वेरी इंपॉर्टेंट, 1847 आई थिंक ना, एंड शार्लेट ब्रॉन्टे, ब्रॉन्टे सिस्टर्स में से एक अर्ली विक्टोरियन एज नॉवलिस्ट शार्लेट ब्रॉन्टे ने जेन आयर लिखा है भाई, ये भी बिल्डिंग्स रोमा का एग्जाम्पल है। ठीक है, एज आई वेलकम डीपीएस टू द क्लास। सो जेन एयर, वंडरफुल वंडरफुल नॉवल रिटन बाय शार्लेट ब्रॉन्टे, प्लीज नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट इंग्लिश फेमिनिस्ट नॉवल कहते हैं। जो आप लोग बता रहे थे विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अ वुमेन, वो फर्स्ट फेमिनिस्ट प्रोज वर्क है। फर्स्ट फेमिनिस्ट प्रोज वर्क क्या होता है, मतलब वो बेसिकली एक ऐसे है, बट मैंने क्या पूछा था, फेमिनिस्ट नॉवल पूछा था आपसे। और एफरा बेन जो आप बता रहे थे उरुनुकू वाली, वो फर्स्ट फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल राइटर है, वो फर्स्ट फेमिनिस्ट नहीं है। समझ में आ रही बात सब लोगों को, नहीं आ रही है? क्लियर, एक बार हाँ कर दीजिए। रोमा भी जो है वो जेन आयर है। तो ऐसे ही जो है बिल्डिंग्स रोमा बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि जो है आ रहा है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, कुंस्टल रोमा, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिस्ट, ठीक है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी। सो कुंस्टल रोमा जो है आर्टिस्ट फॉर्मेशन नॉवल है, आर्टिस्ट फॉर्मेशन नॉवल नोट कर लेना। बिल्डिंग्स रोमा क्या है, कैरेक्टर फॉर्मेशन नॉवल है। ठीक है, तो बिल्डिंग्स रोमा में हम देखते हैं कि कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है, और कुंस्टल रोमा उसी का एक सब पार्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि आर्टिस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिस्ट हम देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वर्क्स जो हैं ये कुंस्टल रोमा का भी एग्जाम्पल है। ध्यान से सुन लेना, हर कुंस्टल रोमा बिल्डिंग्स रोमा होगा, मगर हर बिल्डिंग्स रोमा कुंस्टल रोमा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कैरेक्टर फॉर्मेशन है वो जरूरी नहीं है आर्टिस्ट का हो, वो किसी एक स्पोर्ट्समैन का हो सकता है, किसी एक हम कह सकते हैं कि नॉर्मल पर्सन का हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि कुंस्टल रोमा इज अ सब पार्ट ऑफ बिल्डिंग्स रोमा, और कुंस्टल रोमा में हम ये कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल्स हैं ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आ जाएंगे वहां पर। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात, जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं वो दोनों ही एग्जाम्पल्स वहां पर आ जाएंगे। कौन से दोनों एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट इज ए यंग मैन और डेविड कॉपरफील्ड, दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं गाइस।
फिर रोमन डेक्लेफ की बात करें तो रोमन डेक्लेफ की अगर हम बात करें तो रोमन डेक्लेफ क्या है, लिवरे एक्लेफ भी कहते हैं इसको, शुलेस, देखो उसका जो दूसरा नाम है ये इस बार थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना, शुसिल रोमन है। दिस इज अ वर्क इन विच एक्चुअल प्रेजेंटेड कैरेक्टर्स आर प्रेजेंटेड अंडर फिक्टिशियस नेम्स, जैसे प्राइमरी कलर्स इसके नॉवल का एक उदाहरण है। इसके अलावा अगर रोमन डेक्लेफ की बात करूं तो रोमन डेक्लेफ का दूसरा नाम सब लोग याद रख लेना, शुसिल, शुलेसिल रोमन या लिवरे क्लेफ भी कहते हैं इसको। हम कहते हैं नॉवल विद अ की, नॉवल विद अ की, ऐसा कोई भी नॉवल जिसमें कि हिंट दिए हो उसको हम कहते हैं रोमन डे क्लेफ, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आएगा ये क्वेश्चन, नॉवल विद अ की। तो आगे बढ़ जाते हैं गाइस, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रोमन डे क्लेफ में फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रोमन डे क्लेफ कौन सा है, तो ये नोट हो जाएगा फर्स्ट एग्जाम्पल आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। बार बार ये क्वेश्चन आता है गाइस, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका टी एल पिकॉक का, टी एल पिकॉक, थॉमस लव पिकॉक, रोमांटिक एज में पी बी शैले के राइवल है, ठीक है। नाइट मेयर एबे, नाइट मेयर एबे, नोट कर लेगी पूरी क्लास, 1818। रोमन डेक्लेफ का फर्स्ट एग्जाम्पल है। रोमन डेक्लेफ का और एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, पजेशन, एलिजाबेथ बियार्ड का पजेशन, 1990 में आया था ये नॉवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल माना गया है, ठीक है। इसके अलावा अभी एक मैंने बताया था आपको ओरलैंडो, ओरलैंडो बाय वर्जीनिया वुल्फ, ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके। पजेशन किसने लिखा है, एलिजाबेथ बियार्ट ने, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल्स हैं रोमन डे क्लेफ के। पजेशन को क्या है भाई, पजेशन को बुकर प्राइज है। ओरलैंडो मैंने बताया था द ओनली नॉवल, द फर्स्ट नॉवल वेयर द जेंडर, द प्रोटैगनिस्ट चेंजेस द जेंडर, उसका जेंडर चेंज हो जाता है, फीमेल, मेल टू फीमेल बन जाती है, ठीक है। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों मेरे ख्याल से पावर पैक क्लास थी ये, आज की क्लास हम इतनी कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। हालांकि 50 मिनट्स लगभग हो गए, तो आप लोग प्लीज इस क्लास के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको नोट करिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा। एट द सेम टाइम मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट हमारे नेट के सभी साथियों को, जो लोग भी दे रहे हैं पेपर उन सब साथियों को प्यारा सा ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। थैंक यू, फिर मिलता हूँ आपसे कल, कल हम लोग की क्लास ऑफ रहेगी, सॉरी परसों मिलूंगा मैं, कल एक एनालिसिस लेकर आऊंगा नेट के पेपर का, उसको जरूर देखेंगे, ठीक है साथियों, ठीक है, थैंक यू।